अजय पर की भी पुदीना कास्ट है। पुदीना कास्ट क्या है? अच्छा, पुदीने का सत मुश्के हलीफ हल्दी सियाह सियाह हल्दी चलो जिगरे गोश फल नुरदार चुड़ैल के बाद क्या ये बात अकल में नहीं आती कि चुड़ैल कहां से दस्तयाब हो गया और फिर भी मुर्दार सारी गोलियां मेरे ऊपर फेंका अगर मैं तो वो दिखाने के लिए ला रहा था कि ये मैंने बनाई है अबे बाहर दुकान से निकल के छींक मार बदबख्त नाक और मुंह से तेरे जरा सी मिल रहा है अच्छा जी तो तू भी मेरे नाक और मुंह से उड़ के यहाँ पे बैठा हुए तू कोई जरासीम से बड़ा तो नहीं है ये मुझे जुकाम लगा कहाँ से वहां से लगा ये जो 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 जुम तूने मुझे दवाइयां ये कूटने छाटने और पीछने पे लगा दिया उसके तमाम जरासीम उड़ के तुम मेरे फेफड़ों में चले जाते हैं फिर वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो मुझे छींक आ जाती है मेरा मतलब ये है कि ये तो जरासीम की गोलियां बना रहा जरासीम कौन सा जरासीम की ये जुकाम की अबे दिमाग खराब हो गया है थोड़ा अबे ये गोलियां तो जरासीम का कला कमा करने के लिए उनको जड़ से फेंकने के लिए निकाल के उसकी अक्सीर टिकने जुकाम ही बना रहा हूँ नहीं किनार जी इससे तो बिल्कुल आराम आ ही नहीं सकते जुकाम खत्म नहीं हो सकता ये तो जुकाम को फरोज देने के लिए तू बना रहा है फरोज क्या होता है वो नहीं होता जो पदेश करने के लिए ज्यादा करने के लिए बुजुर्गों के दोस्तों को झुठला रहा है बदबक इससे लाखों ने फायदा उठाया है और करोड़ों को बेवकूफ बनाया है ये समझ में आती है क्या लगाता है आगे छींक की एक्सटेंशन है बात कर रहा खबरदार जो तुमने आज मैं से छींक मारी मैंने कहा तुमको जाकर के अंदर गोलियां भरो शीशी में मैंने किताब ली पता कितनी गोलियां बना ली पूरा तसला भर के मैंने बना ली अब बस तू सिर्फ राइफल मंगा ले और ठीक ठीक निशाने पे लगाता जाए नहीं मैंने पता नहीं हाँ बेटे मेरे ये मैं जुकाम की गोलियां बना रहा हूँ राइफल की गोलियां नहीं बना रहा हूँ समझा इसको खाएगा तो वही ना जिसको मरने का प्रोग्राम हो या खुद कुश्ती करना चाहता हो ये इतने बसुख से तुम कैसे कह सकते हो तो ये बात है तो मैं जाकर गली के नुक्कड़ से एक बिल्ली पकड़ के लाता हूँ उसको सिर्फ तू गोलियां दो सुभा दे अगर तो वो जिंदा रही तो मैं मान लूंगा कि तेरी गोलियां सही है अबे हमारी गोलियां इतनी फालतू है कि हम उनको बिल्लियों पर आजमाएंगे आजमाने के लिए हमारे पास जीते जागते इंसान मौजूद नहीं है हाँ बस जीता जागता इंसान तो तुझे बर्दाश्त ही नहीं है ना अभी तक इंसान के ऊपर जुल्म या तशद्दुद के बारे में कोई अंजुमन या इदारा कायम नहीं हुआ समझे ना अच्छा अलबत्ता जानवरों के ऊपर जुल्म या तशद्दुद के खिलाफ एक इदारा कायम हुआ जिसको कहते हैं इंसदादे बेरहमी हैवानात अच्छा तो ये जानवरों ने खुद बनाया जानवरों ने नहीं बनाया यार ये इंसानों ने बनाया है ये पता नहीं किस कबाड़िए की दुकान से तू ये किताब उठा के लिया है क्या अब ये दवाइयां बनाने से तो बेहतर था तू साबुन बनाता ताकि लोगों के दिल ला से तो चेहरे तो उजले नजर आते अरे साबुन बनाना रंग बनाना जूता बनाना दवा बनाना ये सब बेटा एक ही पेशा है इसमें मुनाफा है बस अच्छा तो इंसानों की जिंदगी से खेलना कौन सा पेशा है अगर मैं तुझे कह रहा हूँ ये बहुत बुरी बात है बकवास बंद कर तू अगर इंसान इंसान की जिंदगी के साथ न खेलता तो ये एक मिसाली दुनिया होती बेटा आई आई तशरीफ आई अस्सलाम वालेकुम तशरीफ रखिए बड़ी मुसर्रत हुई है ये जानकर के आपने कुछ पेटेंट दवाई ईजाद की जनाब मैं कौन हूँ ईजाद करने वाला हम क्या ईजाद करेंगे ये तो बुजुर्गों की वसासत से हमें हासिल हुई है अब देखिए कि ये जो फॉर्मूला है हमारा जोकामीन का ये कुछ नहीं तो 200 साल पुराना है जरा फासले से फासला रखो शाबाश जी
बल्कि ये आप यूं समझ लीजिए कि 200 साल पुराना नहीं है बल्कि ये पाटा पुराना है। तो ऐसा है कि हमारे आबा अजदाद जिनसे हमें ये नुस्खा मिला है जी, तो वो पैसा कमाने की तरह से तो ये बनाते नहीं थे, समझ रहे हैं ना? जी, जी, जी। उनका मकसद ये था कि गरीबों के लिए, नादारों के लिए थोड़ा थोड़ा बनाकर तो सवाबे दारैन हासिल करें। और अब उनको पता चल रहा होगा ऊपर कि सवाबे दारैन चीज क्या होती है। जी देखिए, मेरा कोई कम से कम कुछ नहीं कोई 15-20 साल का तजुर्बा है इस लाइन में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह 15-20 साल से आप इसी लाइन में, अभी तक आप कटे नहीं है, जिंदा है। क्या मतलब? अरे भाई, लाइन से मतलब है कि इस पेशे में। जी जी, रेलवे लाइन पर थोड़ी। अच्छा अच्छा, तो मैंने को तो बहुत मामूली किस्म की जो दवाई थी वो लाखों की तादाद में बेच दी और दवाइयों वाले करोड़पति हो गए। बस ये सेल्समैनशिप का कमाल ही यही है। आपने अपनी कोई दवाई ईजाद नहीं की, कम से कम आप लखपति हो जाते हैं। जी, आप लोगों के पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास तो फार्मूला, फार्मूली, फार गाजर, फार गोंगलू, फार पालक, हर चीज। क्या फसूल बातें कर रहे हैं, फार्मूला की बात कर रहे हैं। अच्छा, नुस्खा। तो आपने और कौन कौन सी दवाएं बनाई हैं? हुजूर, दवाएं तो बेशुमार है हमारे पास, लेकिन अभी उनकी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, इसमें बड़ा वक्त लगता है, समझ रहे हैं ना? और बहुत सारी चीजें तो इस जमाने में नायाब है, मिलती नहीं। हाँ जी, आप ये देखिए कि मुर्दार चुड़ैल के बाल बचे। बाल बचे नहीं भाई, सिर्फ बाल। अच्छा, सिर्फ बाल। और परों वाली चिड़िया की अनका। अभी अनका चिड़िया होती है उसका पर। अच्छा, ये चीजें नहीं मिलती ना। तो मुझे आप कुछ सैंपल्स दे दीजिए। अच्छा भाई, लाओ सैंपल्स दो। ले लीजिए, 5 फुट 7 इंच नमूने की चीजों को। नमूना मांग रहे हैं? नमूना तो आपको मैं ऐसा दूंगा कि क्या याद करेंगे आप। लाओ, ये लीजिए, पकड़िए, ले जाइए। क्या क्या? इससे बड़ा नमूना आपको दुनिया में नहीं मिले। भाई शीशियों के नमूने दे भाई, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, जल्दी लाइए। आपने इनकी कीमत क्या रखी? अजी, इनकी कीमत हम खोल रखने वाले हैं बड़ा। ये क्या करो भाई, दिमाग खराब है? इनकी कीमत हम कौन रखने वाले? इनकी कीमत तो आप जो तजवीज करेंगे वो सही कीमत होगी, क्योंकि आप हैं सेल्समैन, आप जानते हैं कितने की बिकेगी। जी, और बात सुनिए, आप चाहेंगे तो अपना कमीशन रख लें आप इसमें, आप चाहे शेयर रख लें इसमें, बस हम ये चाहते हैं कि दवा ये बाजार में पहुंच जाए और ये इस तरह फैल जाए जिस तरह दांत फैल गया। बकवास मत करो भाई, इस तरह फैल जाए ये दवा जैसे बाकी की चीजें फैल गई हैं। ये बहुत बेहतर। जी ये चुटकी आपको भी दो तो ठीक है। जी, मैं ये फिर जाके मार्केट में फेंकता हूँ। अरे फेंकना नहीं, सर शीशी टूट जाएगी, या कोई उठा के ले जाएगा। नहीं नहीं भाई, वो महाव्रतन कह रहे हैं कि बाजार में इसको चालू कर दें। तो फिर खुदा गुड लग जी। बस ऐसा है हुजूर के, बाकी जो जुकाम की दवाएं अस्पतालों में और यहाँ मौजूद है वो खत्म हो जाए और ये चल जाए। ऐसा ही होगा। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। यार अलम, ये तूने इसको मुफ्त ही पकड़ा दी। बढ़ता क्यों है यार, एक दफा बाजार में चालू तो हो लेने दे। ये बाजार में इंशाल्लाह नहीं चलेगी। क्यों? अबे अगर ये बाजार में नहीं चलेगी तो ये लाखों और हजारों जो डिस्पेंसरियां और शफाखाने ये सब बंद हो जाएंगे। अच्छा चलो, वहां भी वही यही कुछ ही चल रहा है? सब यही कुछ चल रहा है बे, चलने दे और अपना मुंह बंद रख। क्यों मुंह क्यों बंद रखो? मुंह क्यों बंद रखो? इसलिए कि इनमें से जरासीम उठते हैं। जरासीम उठते हैं कहाँ कहाँ? तू जो बातें करता है ये क्या है? ये जरासीम है, इसीलिए कह रहा हूँ मुंह को बंद रख। ये जो उड़ जाएंगे तो मुंह में जाके दूसरों के लग जाएंगे। ये बहुत मोहलिक चीज है जो तू बोलता है। ये किस चीज के जरासीम है? जुकाम की और किस चीज का? अच्छा, ये जुकाम का बहाना ना बना। अगर तू मेरा मुंह बंद करना चाहता है तो मुंह पे जिप लगवा देगी, नाक में मैं चुटकी लगा लेता हूँ। बकवास मत कर, जुकाम का बहाना ना बनाऊंगा तो ये गोलियां कैसे बनेंगी? आजकल तकलीफ दवाएं इतनी बढ़ रही है
ये बात से अब तो मुझे लोगों की जिंदगी जो है ना वो खतरे में नजर आ रहा है यार। अब असली और नकली क्या रह गया है, बेकार की बात है। असली दवाएं कौन सी मिल जाती है? जो असली दवाएं मिलती है सोने के भाव मिलती है। मेरा ख्याल था कि दुनिया में एक ये पेशा ऐसा है कि जिसमें ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। भाई मेरे, ईमानदारी खून में होती है, ये किसी पेशे वेशे में नहीं होती। इन बातों को तुम भूल जाओ। खून ही खराब हो गया है तेरा, समझ नहीं आती। अच्छा, वालेकुम सलाम। आइए आइए, रखिए। वो जी, ये दवा आप ही के यहाँ बनती है? ये दवा किसी रखिए, किसी रखिए। ये कहते ये कौन सी दवा है? ये खांसी नजले जुकाम की दवा है। मेरा बेटा एक शीशी लेके आया था, उससे आराम आ गया था। अच्छा 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 अच्छा, तो दोबारा तकलीफ शुरू हो गई आपको? जी हाँ, वो सीने में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। लेकिन देखो ना जी, तो सीना भी तो थोड़ा सा है, तो उसमें थोड़ी सी तो दर्द रहनी चाहिए। और खांस रहे थे तो मुझे भी दर्द हो जाता है। अब आपको खांसी नहीं होगी, आपको सिर्फ जुकाम होगा। चलो मैं टेस्टिंग। ये चेक नहीं कर रहा हूं, चेक नहीं। ऐसा कीजिए, एक शीशी दवा दे दीजिए। किस चीज की? अच्छा, एक शीशी। हाँ, उसकी दवा दे दीजिए। कौन सी दवा मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं 20 ऑल ऑफ 3। 20? 20 ऑल ऑफ 3। ये क्या होती है 20 ऑल ऑफ 3? यार अनिल, वो कोई भी मुश्किल से नाम लेके आगे तीन लगा दो या लीन लगा दो तो दवाई तो बनी जाती है। दिखाओ, ये देखो, ये इस पर तो अपनी दवा का नाम लिखा है, जोकामीन है। जोकामीन हमारी दवा है, ये पढ़ सकते हैं आप? इसके ऊपर जोकामीन लिखा हुआ है? नहीं अनिल, ये अपनी दवा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो कह रहे थे इससे आराम आ गया। हाँ तो अभी हमारी दवाओं से तो आराम आता है। अच्छा। भैया जुकामीन इसीलिए तो ये ले रहे हैं। अच्छा, आराम के लिए। ये कितनी शीशियां दे दो बुजुर्गवार? एक दे दीजिए। एक से क्या होगा हुजूर, कि वे तो जड़ से निकाल लीजिए इस बीमारी को। अगर जाते हैं ऊपर से तो एक शीशी ले जाइए, और अगर आप कहते हैं कि गमले से ही उखड़ जाए तो फिर आप दो शीशे ले ली। दो शीशे मत ले जाइए, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, ले आओ, है? लाओ दवाई, लाओ। अच्छा, शीशे दो शीशे लाओ। कैसे? ये लीजिए दो शीशियां।